इस वीडियो में हम लोग 2023 में पूछे गए एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज उदित गुप्ता, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि 2023 ईयर में पूछा गया था, यानी लास्ट ईयर पूछा गया था। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। हमें बोला क्या जा रहा है यहां पर, देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन करने का कि जो भी इंफॉर्मेशन आप रिट्राइव कर पा रहे हैं, आप ले पा रहे हैं क्वेश्चन, उसको एक जगह लिखिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपसे बोला गया है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 9 न्यूटन पर कूलम्ब है। कहां पर, एक पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से, उस ऑब्जेक्ट से कितनी दूर पर, आर कितना है बोल रहा है, 4 मीटर बोल रहा है। अब इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, मान लेते हैं यहां पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट है और उससे ये 4 मीटर की जो दूरी है, उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं पॉइंट पी, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 9 न्यूटन पर कूलम्ब है। क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ कर रहा है आपसे, फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम्ब विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ। तो आपसे पूछ रहा है कि इसी पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से किस पॉइंट पर, मतलब चार्ज से कितनी दूर पर, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 16 न्यूटन पर कूलम्ब होगी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर अगर आप जो हमारा डेटा गिवन है उससे अगर आप चलें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है, 9 न्यूटन पर कूलम्ब दी हुई है। के कितना है, के की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे अभी, वैसे के जो एयर के लिए होता है वो 9 × 10⁻⁹ होता है। चार्ज हमें पता नहीं, और R कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 मीटर दूर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 9 इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन 4 × 16। अब ये 16 उधर आएगा तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से देखिए हमें के क्यू का एक्सप्रेशन मिल गया। अब के क्यू का एक्सप्रेशन क्यों निकाला है आपको आगे अभी समझ में आ जाएगा, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 16 न्यूटन पर कूलम्ब है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं इसको, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E डैश मान लेते हैं, के क्यू बाय आर डैश। अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ना तो आपका चार्ज बदलने वाला है पॉइंट चार्ज, ना तो आपके K की वैल्यू बदलने वाली है। जो के क्यू आपका इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज होगा, वही के क्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यूज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसी सेम चार्ज से निकालने जा रहे हैं और के एयर का हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी चाहिए हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए 16 चाहिए, ठीक है। के क्यू कितना हमने निकाला, 9 × 16 निकाला, अपॉन आर स्क्वायर, हमें नहीं पता आर, उसी को निकालना है आर डैश का, ठीक है। आर डैश का स्क्वायर हम इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 16 अपॉन 16, वेरी गुड। अब यहां से 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, बचा आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब आर डैश का स्क्वायर 9, हमें आर डैश चाहिए, तो हम रूट करेंगे तो हमें पता है 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। तो यानी 3 मीटर दूर, उस चार्ज से 3 मीटर दूर, सपोज कहीं यहां पर क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 16 न्यूटन पर कूलम्ब है, सही, करेक्ट ऑप्शन सी है, 3 मीटर। देखिए अगर मैं चाहता तो क्यू को निकालता फिर वैल्यू रखता तो वो बहुत लंबी हो जाता। देखिए हमारा जो पूछा जाए क्वेश्चन, जो पूछा जाए कैलकुलेशन, उसके प्रोस्पेक्टिव से करिए, ये नहीं कि आपको चार्ज भी निकालना है फिर डिस्टेंस भी निकाली, वो टाइम टेकिंग होगा और बोर्ड्स एग्जाम में टाइम का एक अपना इंपॉर्टेंस है, आप जितना इफिशियंटली टाइम को यूज करते हैं आप उतने अच्छे से अपने पेपर को सॉल्व कर पाते। थैंक यू।